बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल ये कि क्या खुदा ने हमसे पूछकर हमें इंसान बनाया था? इंसान के मुकाबले में तो हमें फरिश्ता ही बना दिया था, तो हमारी ज़िंदगी आसान होती, हमें इतने इम्तिहानात और जहन्नम जन्नत के मामलात और दीगर मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, तो हमसे पूछ लेना चाहिए था खुदा को। तो उसका जवाब ये कि पहली बात यह कि खालिक किसी की मर्ज़ी का मोहताज नहीं होता, वो खालिक भी है और मालिक भी है। उसने जिसको जो चाह बेहतर समझा अपने इल्म के मुताबिक उसने पैदा कर दिया, और यकीनन अगर किसी को उसने इंसान बनाया तो वो उसके लिए इंसान बनना ही बेहतर है। किसी ने उसको उसने फरिश्ता बनाया तो उसके लिए फरिश्ता होना ही बेहतर है। इसी तरह बाकी मखलूकात है, उनमें जिस जिसको जिस अंदाज और रंग में उसने पैदा किया है वो उसके लिए बेहतर है। लेकिन हम एक नज़र और भी डाल लेते हैं कि क्या फरिश्ता बनने के शौकीन हजरात पहले देख लें कि इंसान और फरिश्ते में फ़र्क क्या है। पहली बात तो यह कि फरिश्ते अल्लाह की नूरी मखलूक हैं, हम खाक की मखलूक हैं। दूसरा ये कि फरिश्ते बेख्तियार हैं और हम बाख्तियार हैं, उनकी मर्ज़ी उनकी वेलनेस नहीं है, बिल्कुल ख़त्म। जो अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान किया, उन्हें हुक्म दिया, वही करते हैं। इंसान को उसने साहिब इख्तियार बनाया, अपनी मर्ज़ी सब कुछ करता है। नंबर तीन, फरिश्तों के लिए न जन्नत है ना उनके लिए जहन्नम है, लेकिन इंसान के लिए क्या है कि अगर अच्छे अमाल करें, साहिब ईमान हो तो उसको जन्नत मिलेगी और नहीं तो उसके लिए जहन्नम होगी। और अगला फ़र्क ये है कि फरिश्ते अल्लाह के हुक्म पर गैर अख्तियारी तौर पर पाबंद हैं, उनका इख्तियार नहीं है, बस जिस जगह पे लगा दे वही है। लेकिन इंसान के पास इख्तियार है, वो जो कुछ करता है अपनी मर्जी से अपने इख्तियार के साथ करता है। और अगला फ़र्क ये कि फरिश्तों को अल्लाह ने फ़कत अपनी बात या कुछ चंद और जिम्मेदारियों के लिए पैदा किया है, और इंसान को भी अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया, लेकिन साथ साथ कुछ जिम्मेदारी जिनके अंदर इंसान को इख्तियार और साहिब इरादा जो है बना दिया गया है। तो लिहाजा जब ये इतना फ़र्क है, इसके बाद अगला सवाल फिर आता है कि अल्लाह ने ये ऐलान किया कि क्या हर इंसान को जहन्नमी के बंदा उसके ऊपर एतराज़ करे, या बंदा कहे कि मैं फरिश्ता होता मैं जहन्नम में भेजे जा रहा इंसान को? नहीं, अल्लाह ने कहा है कि जो नेक अमाल करेगा वो जन्नत में चला जाएगा, जो बुरे अमाल करेगा या ईमान नहीं लाएगा वो जहन्नम में जाएगा। तो ये भी इंसान के ऊपर अपने ऊपर डिपेंडेड है कि इंसान जैसा चाहे कर ले, जो चाहे कर ले। तो इंसान, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं उसको जहन्नम धकेल दूंगा बिला वजह, बल्कि क्या वो अपने अमाल के जरिए से जो है वो जाएगा। और फिर अगला सवाल ये कि जन्नत में जाने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए? जवाब है अल्लाह की फरमाबरदारी। फरिश्ते क्या करते हैं? अल्लाह की फरमाबरदारी और इताअत करते हैं। तो लिहाजा इंसान को भी अल्लाह की फरमाबरदारी करनी चाहिए। अगर इंसान अल्लाह की फरमाबरदारी करे तो इंसान को क्या मिलेगा? तो जन्नत। तो फिर अगला सवाल ये कि अल्लाह की फरमाबरदारी करने पर फरिश्तों को क्या मिलेगा? तो कुछ भी नहीं, बस उन्हें यही काफ़ी है कि वह अल्लाह की फरमाबरदारी कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्मों को मान रहे हैं। तो मतलब क्या है कि आप जिस तरफ से भी आप सोच लें, इंसान फरिश्तों से हर हवाले से ही बेहतर है। साहिब इख्तियार भी है, अच्छे अमाल करे तो जन्नत भी मिलेगी, खुदा ना करे बुरे अमाल करे, बेईमान हो काफिर हो जहन्नम में जाएगा। हालांकि फरिश्तों के अंदर ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है। तो जब बात यह कि फरिश्तों ने करनी अल्लाह की फरमाबरदारी ही थी, तो इंसान क्यों ना वो कर ले? और जब इंसान वो करेगा तो फरिश्तों से ऊपर वाला दर्जा उसे मिलेगा। तो अल्लाह ने किसी से पूछकर किसी को इंसान नहीं बनाना, अपना हुक्म चलाना है।